तो ये छोटी सी एक फॉर्मुलेशन, और इसको एतमाद के साथ आप प्रमोट करें एक अच्छा प्रोडक्ट और चलने वाला प्रोडक्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, आपके अपने चैनल अल केमिस्ट में आपका केमिस्ट सजाद अहमद हाजिर खिदमत है 1000 प्रैक्टिकल आइडियाज़ वीडियो सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम मॉस्किटो रिपेलेंट रीफिल जो होती है वो इंशाल्लाह हम बनाने जी, इसमें जो बेस केमिकल हमारा है वो वाइट ऑयल है, पैराफिन ऑयल है, और वो हमने 95% इसमें लेना है, 95%। तो हम इसमें डाल लेते हैं, और अब इसमें डीट ये वेल नोन एक पेस्टिसाइड है जो कि मॉस्किटो रिपेलेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, और डाइलथाइल टॉलोमाइड इसको कहते हैं। इसकी डेमोंस्ट्रेशन हम इससे पहले भी एक फॉर्मुलेशन में दे चुके हुए हैं। ये जस्ट 2% इसमें हम यूज़ करेंगे, जस्ट 2%। तो ये इसमें हमने ऐड कर लिया, सिंपल मिक्सिंग स्टेप्स हैं, और ऑयल के अंदर ये मिसेबल चीज़ें हैं। और नेक्स्ट इसके अंदर हमने जो यूज़ करना है वो ऑप्शनल है, अगर सिट्रोनिला एल ऑयल हम यूज़ करना चाहें 1.5% सिट्रोनिला ऑयल, अगर हम ये ना भी यूज़ करना चाहें तो तब भी हमारा ये प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, चूँकि हमने दो पेस्टिसाइड इसमें यूज़ करने हैं, एक DWT और एडिशनली हमने सिट्रोनिला यूज़ कर लिया, जिससे हमें एक्सटेंडेड प्रोटेक्शन मिल जाएगी मॉस्किटो के अगेंस्ट। और अब जो नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो एक पेस्टिसाइड है जिसको पायरीथोराइड, सिंथेटिक पायरीथोराइड कहते हैं। ये बेसिकली ये भी 1.5%, इसकी थोड़ी सी डेमोंस्ट्रेशन आपको हम बता देते हैं। ये एक बहुत अच्छा, ये 1.5% ये हमने इसमें ऐड कर लिया, और इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस भी अब आपको बिल्कुल जो एक मार्केट में अवेलेबल एक ब्रांड है, हमें किसी ब्रांड को ऐसे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, उससे बिल्कुल मिलती, और स्मेल भी बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट वही जो मॉस्किटो रिपेलेंट के रिफिल लगे होते हैं, इसको हम लगा के और ये प्रोडक्ट हमारा तैयार है। बहुत छोटी सी फॉर्मुलेशन, अब थोड़ा सा हम आपको डेमोंस्ट्रेशन उसकी दे दें कि बेसिकली जो हमारा पेरीथोराइड जो है पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड, ये मिलेगा कहाँ से। एक तो ये भी क्वेश्चन है, डीट इजीली अवेलेबल है, सिट्रोनिला अवेलेबल है, केमिकल की शॉप से आप पेरीथोराइड को भी पता कर सकते हैं, अगर वहाँ से ना मिले तो जो पेस्टिसाइड्स की दुकानें हैं, स्प्रे की दुकानें, उनसे ये प्रोडक्ट आराम से आपको मिल जाएगा। ये बेसिकली सिंथेटिक पेस्टिसाइड है और बिल्कुल नेचुरल एक इसका अल्टरनेट हमारे पास मौजूद है, कि जैसे क्राइसेंथेमम फ्लावर्स होते हैं, गुले दाऊदी जिसको कहते हैं, ये क्राइसेंथेमम फ्लावर्स से भी एक्सट्रैक्ट होता है, लेकिन हमें जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो सिंथेटिक होता है। और लाजिम बात है कि जो क्राइसेंथेमम से मिलेगा, गुले दाऊदी से मिलेगा, क्राइसेंथेमम इंडिकम जिसको गुले दाऊदी भी कहते हैं, उसका ये एक्सट्रैक्ट है बेसिकली। जैसे हम सिट्रोनिला की या लेमन ग्रास की बात करते हैं तो वो लेमन ग्रास की एक स्पीशी है, उसमें से वो एक्सट्रैक्ट होता है। तो ये ऐसे क्राइसेंथेमम इंडिकम, ये उसकी एक स्पीशी है, एक जीनस है जिसमें से ये एक्सट्रैक्ट होता है, लेकिन हमने जो मार्केट में अवेलेबल है वो है सिंथेटिक। तो ये छोटी सी एक फॉर्मुलेशन, और इसको एतमाद के साथ आप प्रमोट करें एक अच्छा प्रोडक्ट और चलने वाला प्रोडक्ट, और फिर इंशाल्लाह किसी अच्छे और बिज़नेस आइडिया के साथ इंशाल्लाह हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह से दुआ, अल्लाह पाकिस्तानी वाला मामला फरमाएँ और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।